साईं बाबा के साथ अद्भुत प्रतिमाएं। साईं बाबा का पहला मंदिर उनके भक्त केशव रामचंद्र प्रधान ने बनवाया था। उनका दूसरा मंदिर शिरडी में है, जहां उन्होंने समाधि ली थी। उनका तीसरा मंदिर महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में है, जहां बाबा का जन्म हुआ था। आज देश भर में बाबा के मंदिर है, जिनमें से कुछ मंदिरों के प्रांगण में बाबा की विशालतम प्रतिमाओं को देखकर मन भावना से भर जाता है। मूर्ति नंबर एक, साईं मंदिर शिरडी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। ऊंचाई 5 फुट 5 इंच। साईं बाबा ने जहां समाधि ली थी, वहीं उनकी विशालतम मूर्ति बनाई गई है। साईं भक्तों के लिए शिरडी तीर्थ स्थल है, जहां दुनिया के कोने कोने से भक्त समाधि पर माथा टेकने आते हैं। साईं के समाधि स्थल पर इस प्रतिमा का अनावरण बाबा की 36वीं पुण्यतिथि पर 7 अक्टूबर 1954 को किया गया था। मूर्ति नंबर दो, श्री साईं महाराज देवालयम, मछलीपट्टनम, जिला कृष्ण नगरम, आंध्र प्रदेश। ऊंचाई 54 फुट। श्री साईं बाबा की यह विशालतम मूर्ति आंध्र प्रदेश के समुद्र तटवर्ती शहर मछलीपट्टनम के बीचों बीच स्थित जिला कोर्ट के सामने स्थापित है। इसका अनावरण 2011 में हुआ था। मूर्ति नंबर तीन, रेपुर गांव काकीनाड़ा के पास, जिला ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश। ऊंचाई 116 फुट। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित काकीनाड़ा के पास रेपुर में साईं बाबा की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति का अनावरण 2012 में किया गया था। मूर्ति नंबर चार, साईं बाबा मूर्ति, सूरत, गुजरात। ऊंचाई 14 फीट। गुजरात के सूरत शहर में मकाई पुल चौराहे पर स्थित साईं बाबा की यह मूर्ति अद्भुत मुद्रा में है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मूर्ति की स्थापना सूरत युवक मंडल द्वारा की गई। मूर्ति नंबर पांच, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज मंदिर, भीवपुरी, तहसील कड़जत, महाराष्ट्र। ऊंचाई सामान्य। यह मंदिर साईं बाबा के एक भक्त केशव रामचंद्र प्रधान ने भीवपुरी में सन 1916 में बनवाया था। भीवपुरी मुंबई से पुणे जाते वक्त बीच में पड़ता है। मूर्ति नंबर छह, साईनाथ जन्म स्थान मंदिर, पाथरी, जिला परभणी, महाराष्ट्र। ऊंचाई सामान्य। महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ था। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देव देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। मूर्ति नंबर सात, हरदा साईं मंदिर, मध्य प्रदेश के हरदा में एक साईं भक्त परिवार के पास 100 वर्ष पूर्व शिरडी के साईं बाबा द्वारा अपने हाथों से दी गई उनकी चरण पादुकाएं हैं। साईं बाबा के भक्त रामकृष्ण परुलकर उर्फ छुट्टू भैया को खुद साईं बाबा ने उनकी ये चरण पादुकाएं ठीक 100 वर्ष पूर्व 1915 में अपने हाथों से दी थी। रामकृष्ण तो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के मुखिया किशोर रंगनाथ परुलकर और राधा किशोर परुलकर अब इन चरण पादुका की पूजा करते हैं। इस परिवार के मुताबिक उनके पूर्वजों की तस्वीरें आज भी शिरडी में बाबा के स्थान पर लगी हुई है।
यहाँ उनके घर में ही साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति रखी है, जहाँ शिरडी मंदिर की तरह ही साईं बाबा की पूजा और आरती होती रहती है।